अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आलू पालक और प्याज की टिक्की। ये टिक्की बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। यहाँ मैंने उबले हुए दो आलू लिए हैं, साथ ही इसमें मैंने पालक ली है। पालक ये आपके सामने है, तकरीबन ये 50 ग्राम के करीब पालक है। और पालक को मैंने बिल्कुल ना बारीक बारीक, ये देखिए इस तरह से हमने काट लेना है पालक को। पहले हम अच्छे से धोएंगे और इसको फिर छानने में डाल के रख देंगे। जब इसका पानी निकल जाएगा तो फिर हम इसको ना बारीक बारीक बिल्कुल काट लेंगे। और साथ ही मैंने लिया है एक मीडियम साइज की प्याज और उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप काट लिया। तो यहाँ हमने क्या करना है, हमने आलू को स्मैश करना है। चाहे तो आप ग्रेट कर लें, चाहे तो आप स्मैश कर लें आलुओं को। तो व्यूअर्स ये बात आप पे डिपेंड करती है, मैं यहाँ आलुओं को करूंगी ग्रेट। मैंने क्या किया, आलुओं को बॉईल करके ना और छील के तो इसको फ्रिज में रख दिया। अब ये आलू जो है वो ठंडे हो चुके हैं, तो बहुत ही इजीली इस तरह से ये ग्रेट हो जाएंगे। आप अगर ग्रेट करना चाहते हैं तो इसको ना फिर थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में जरूर रखिए। और अगर नहीं ग्रेट करना चाहते, आप हाथ से ही इजीली स्मैश कर सकते हैं तो आप कीजिए, वैसे भी आप कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, रेड में लिखा हुआ, उसके साथ ही में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को सबसे पहले आपको मिले। आलू जब हमारे ग्रेट हो जाएं, इसमें स्मैश अच्छे से हो जाएं, तो इसमें डाल दीजिए कटी हुई पालक, साथ ही जाएगी चॉप कटी हुई ऑनियन। एक हम लेंगे ब्रेड का पीस, ब्रेड का पीस जो है वो मैंने लास्ट वाला लिया है। और इसको बिल्कुल कर दीजिए इस तरह से छोटा छोटा, और ये देखें इस तरह से ना डाल दें। वन टेबलस्पून जाएगा लेमन जूस। उसके बाद हम डालेंगे दो मैंने लहसुन की जबे ली और दो ही मैंने हरी मिर्चें ली, उनका फाइन सा पेस्ट बना लिया, ये डाल देंगे। अब यहाँ जो हमें स्पाइस चाहिए, यहाँ मैंने ली है काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून व्हाइट पे, टेस्ट के मुताबिक लें सॉल्ट। और साथ ही यहाँ ले लें कसूरी मेथी, कसूरी मेथी ली है मैंने वन टी स्पून से ज़्यादा मैंने ली है कूटी हुई साबुत मिर्चें, और हाफ टी स्पून यहाँ मैंने ली है हल्दी। तो ये सारे स्पाइस चाहेंगे इस तरह से, ये देखिए। और अब इनको हमने क्या करना है, बहुत अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आप हरी मिर्चों को ना पेस्ट बना के नहीं ऐड करना चाहते तो आप उनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप काट लें, आप वैसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने इनको हरी मिर्चों का ना पेस्ट बना के डाल लिया, मुझे ऐसे ठीक लगा, लेकिन आप चाहें तो आप चॉप करके भी कर डाल सकते हैं। जब आप अच्छे से मिक्स कर लें तो बस आप इसको छोड़ दें सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अच्छे से सेट हो गया है टिक्की का बैटर। हाथों पे 1 से 2 ड्रॉप ऑयल लगा लें और ये देखें इस तरह से जिस साइज़ की आपने आलू पालक की टिक्की बनानी है इस तरह से उठाइए और हथेली पे रख के ना इस तरह से उंगलियों से प्रेस करते हुए इसका एक बॉल बना लें। बॉल जब बन जाए तो हथेली पे रखिए इस तरह से, और फिर इसको एक राउंड वाले खूबसूरत सी एक शेप दे दें। ये देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीली ज़बरदस्त एक गोल मटोल टिक्की आलू पालक प्याज के साथ रेडी है। इसको बनाते जाइए और यहाँ पर रखते जाइए। मैंने क्या करना है, साड़ी ना मैंने बस इसी तरह झटपट से बना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त टिक्कियां यहाँ पर रेडी है फ्राई होने के लिए। यहाँ पर ले लें एक बॉल और उसमें डाल दें एक एग इस तरह से, 1 से 2 पिंच लीजिए सॉल्ट, और बहुत अच्छे से अंडे को लें फेंट इस तरह से। तो ये देखिए अंडा जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर फिट चुका है। यहाँ मैंने लिया है पैन और इसमें डालूंगी वेजिटेबल कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, कबाब को शेल्फ फ्राई, टिक्कियों को शेल्फ फ्राई करने के लिए 2 टेबल स्पून हम वेजिटेबल कुकिंग ऑयल लेंगे।
जब लगे कि तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो फ्लेम को कर दें मीडियम और जो टिक्की है उसको प्लेट से उठाएं और इस तरह से अच्छे से अंडे में फैटे हुए में इस तरह से डिप कीजिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरह से पैन में डाल दें। बस इस तरह से डिप करते जाइए और थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे रखते जाइए ताकि हमें चेंज करने में आसानी हो। हमने बिल्कुल साथ साथ जोड़ के नहीं रखनी है टिक्कियाँ तवे में या पैन के अंदर जिसके अंदर भी हम फ्राई करेंगे। और इस तरह से एक से दो दफ़ा डिप कीजिए, ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूट रही, जैसे मर्जी इनको अंदर डालिए और इस तरह से अल्टम पल्टम करके डिप कर लीजिए ताकि अंडा जो है वो टिक्की में सभी तरफ अच्छे से लग जाए। बिस्मिल्लाह। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम साइड चेंज करके देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कैसे ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आया है जो एकदम क्रिस्पी टिक्की का होता है। बिस्मिल्लाह। इसीलिए मैं कह रही थी कि डिस्टेंस पर डालें ताकि चेंज करने में कबाब को आसानी हो। तो ये देखिए मैंने डिस्टेंस पे कबाब को डाला और जैसे मर्जी चम्मच को चमचा लें जिससे हमने कबाब की साइड को चेंज करना है। तो ये देखिए बहुत ही इजीली साइड भी चेंज हो गई और बहुत ही खूबसूरत क्रिस्पी कलर आया है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त दोनों तरफ से खूबसूरत और क्रिस्पी कलर आया है। बहुत ही अच्छे से हमारी आलू की टिक्कियाँ, आलू पालक की टिक्कियाँ तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, वाओ ज़बरदस्त। सारी हमने ऐसे ही फ्राई कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी आलू पालक की टिक्कियों की फाइनल लुक, मनपसंद की चटनी, रायते, इवन केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और बहुत ही टेस्टी बनी हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो चलिए आपको टेस्ट करके भी मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लाइक बनता है। खुश रहिए, अपनी दुआ में याद रखिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।